ओके, तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास दो बाइनोमियल एक्सपेंशन गिवन है। इसमें हमें सबसे पहले तो इसका मिडिल टर्म लिखना है। इसका मिडिल टर्म कैसा होगा? टी टू एन बाय टू, विच मीन्स टी एन। अगर हम इसके एक्सपेंशन में देखेंगे तो हमारे पास टू एन प्लस वन टर्म्स आएंगे, उसमें से जो nth टर्म होगा वो इसका मिडिल टर्म होगा। तो ये हो जाएगा टू एन सी एन, एंड ऑब्वियसली x की पावर n, तो हमें तो कॉफिशियंट से मतलब है, तो हमारे पास मिडिल टर्म का जो कॉफिशियंट है वो टू एन सी एन आ जाएगा। ठीक, इसमें देखते हैं इसमें क्या फॉर्मूला रहता है हमारे पास। इसमें हमारे पास होता है टी एम प्लस वन बाय टू एंड टी एम प्लस थ्री बाय टू। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, जो कि इसमें है टू एन टर्म्स है, तो मिडिल टर्म्स भी दो आएंगे, जिन्हें हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं टी एम प्लस वन बाय टू, टी एम प्लस थ्री बाय टू। तो यहाँ से आ जाएगा टी एन एंड टी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो टी एन प्लस वन। तो सिमिलरली हम यहाँ पर लिखेंगे टू एन माइनस वन सी एन माइनस वन एंड टू एन माइनस वन सी एन। ओके, तो हमको ये बताना है कि ये और ये दोनों टर्म्स क्या हम लेफ्ट राइट वाले का सम करके ला सकते हैं सी एन माइनस वन। तो हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी एनसीआर में, विच सेज कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन सीआर। तो इसी प्रॉपर्टी को लगाते थे। इस प्रॉपर्टी में क्या, अपर इंडेक्स जो है वो तो सेम होना चाहिए, टू एन माइनस वन है और इनमें वन का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये फाइनली आ जाएगा टू एन सी एन। तो जो हमको बोला गया था प्रूफ करने के लिए कि इनका सम इसके बराबर है, वैसा प्रूफ कर सकते हैं ना, तो यही आंसर हो जाएगा।